हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्टअप क्लिनिक इंडिया। तो इंडियास नंबर वन कंपनी है जो स्टार्टअप क्लिनिक है। तो आज हम जो दिखा रही है तो वो 2D फ्लैटर्स मशीन में हम कैसे प्रिंट करते हैं, जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, आज हम वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आपको दिखा रही है। सो जो हम जो मशीनरी यूज़ कर रहे हैं वो 2D फ्लैटर्स मशीन है, एंड इसको 2D हेवी ड्यूटी फ्लैटर्स मशीन भी बोलते हैं। इसका जो साइज होता है 16x24 है, 16x24 का मशीनरी है ये। तो आज हम जो प्रिंट करने के लिए जा रहे हैं, दैट इज ए मैजिक कुशन। जो मैजिक कुशन है, तो एक तरफ आपको प्रोडक्ट प्रिंट होगा, जो दूसरी तरफ है कुछ कलर आएगा। तो इसमें हम प्रिंट कैसे करते हैं ये सब कुछ आज आपको दिखाएंगे। जो पेपर हम यूज कर रहे हैं, हाँ, ये हमारा मैजिक कुशन इस टाइप का आपको अभी आएगा। ओके, तो ये कैसे होगा, इसे डबल साइड प्रिंट हुआ था जो ये मैजिक कुशन है। तो इसमें आप हमें कौन सी कलर में प्रिंट कर रहे हैं और क्या प्रिंट कर रहे हैं आज आपको दिखाएंगे। सो जो पेपर हम यूज़ कर रहे हैं, इसे ड्यूअल कोटेड पेपर है, जो हमारा खुद का ब्रांडिंग का पेपर है। सो अब इस मशीनरी के बारे में हम देखेंगे। तो इसे 2D फ्लैट प्रेस मशीन है, ये मेनली जो टी शर्ट्स वगैरह प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, कॉटन टी शर्ट्स वगैरह प्रिंट करने हैं, तो दिस इज द बेस्ट मशीन टू यूज़। इस मशीन में कॉटन टी शर्ट्स, क्योंकि कॉटन टी शर्ट्स के लिए हमें हैवी प्रेस चाहिए होता है, तो इस मशीन में आपको पॉसिबिलिटी है। सो इसी मशीन के अंदर आप प्रिंट करोगे तो इसका जो फिनिशिंग आता है ना, बाकी किसी दूसरा मशीन में आपको मिलेगा ही नहीं है। सो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो तो मैजिक कुशन हम प्रिंट कर रहे हैं, जो आपको दिख रहा होगा कि पिंक कलर कुशन है, जो बहुत प्यारा है। इस कुशन के ऊपर हम प्रिंटिंग कर रहे हैं। सो ये कुशन को प्रिंट करने के लिए जो हमें टेम्परेचर वो रखना है, सो ये है 200 डिग्रीज का टेम्परेचर रखना है एंड 120 सेकेंड्स का टाइमिंग रखना है। जो ये है हमारा हरना में, जो हमारा कुशन का प्रिंटिंग कर रहे हैं, और ये इज आवर ट्रेनर। तो कोई भी आता है यहाँ पे है, ट्रेनिंग देते हैं, सो बाकी सबरा यही संभालेगा, एंड आपको यहाँ से आपको ये बताएगा कि प्रिंटिंग कैसे करना है और क्या कर रहे हैं, कितना टेम्परेचर में कर रहे हैं, एवरीथिंग ये आपको बताएगा। ये देखिए, इस तरह से आपको पिन चिपका लेना है, जैसे मैंने चिपका रखा है। अभी आप देख रहे हो ये फोटो है, इसमें कुछ है नहीं। अभी मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाऊंगा। इसको इस तरीके से आपको नॉर्मल पेपर लगा रहा हूँ, उसमें जो इसके टैफलॉन पे डालना है, इसका जो टेम्परेचर है 200 है, और जो उसका टाइमिंग है इसमें 120 सेकंड रहता है। ये ऑटोमेटिकली टाइमिंग ले लेती है 120 सेकंड। उसके बाद आप 20 सेकंड के लिए और भी रख सकते हो, जब इससे प्रिंट की क्वालिटी है थोड़ा अच्छा आएगा। सो ऑलरेडी हमने टेम्परेचर रख दिया है, टाइमिंग भी सेट कर दिया। सो 120 सेकंड से ये डाउन जा रही है, जैसे 00 पे आ जाएगा हमारा प्रिंट फिनिश हो गया। एक बार प्रिंट होने के बाद हम 40 सेकंड्स के लिए दोबारा प्रिंट करेंगे, इसका फिनिशिंग और भी प्यारा सा लगेगा। सो हम देख रहे हैं कि अभी 90 सेकंड्स में जा रही है। सो दोस्तों, हम इसमें जो काम कर रहे हैं ना, तो हमारा विजन ये है कि 2034 तक हमारा देश में गरीबी हटाना है हमें। सो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सो एवरीवन, हम पैसे कैसे कमाना है ये सिखाते हैं हमारे वीडियोस में जो होते हैं ना, सब कुछ ये सिखाते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स किस में प्रिंटिंग होता है, कौन सी मशीनरी में क्या है, किसी को ये नॉलेज नहीं है, तो हम ये सब कुछ आपको दिखा रही है। इसके ऊपर आपको मार्केटिंग के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो मोहन चंद्रा जी का वीडियोस है ऑलरेडी इसमें यूट्यूब चैनल में, सो आप सुन सकते हो यूट्यूब में, तो बहुत सारे वीडियोस इसमें है, आप देख सकते हो। अभी हमारा ये टाइमिंग है 49 तक आ गया है। इस मशीन में आपको बहुत सारा प्रोडक्ट्स आप प्रिंट कर सकते हो, लाइक टी शर्ट्स मैंने बताया था ना, मेनली ये वाला जो मशीन है हेवी ड्यूटी है, तो ओनली ज़्यादा का ज़्यादा टी शर्ट्स प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा टी शर्ट्स जो मैं दिखा देती हूँ आप, चलिए, ये जो है टी शर्ट्स जो आप देख रहे हो, ये सब टी शर्ट्स इसी के ऊपर आप प्रिंट कर सकते हो। देखिए कितना प्यारा से आप प्रिंट निकाल सकते हो, और ये सारा टी शर्ट्स इसी के ऊपर प्रिंट हुआ था। सो इसके अलावा जो कुशंस वगैरह है, ये भी आप इसी में प्रिंट कर सकते हो। ऑलरेडी हम जो कर रहे हैं वो भी मैजिक कुशन है, इसके अलावा इस टाइप का कुशंस का भी आप प्रिंट कर सकते हो। सो इसके बाद आप जो है फ्लैट आइटम्स, जो फ्रेम्स वगैरह है, ये सारा चीज़ें भी आप इसके ऊपर प्रिंट कर सकते हो। सो ये दिख रहा है ना, ये ग्लास फ्रेम्स, रॉक्स,
ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। ये जो भी फ्लैट आइटम्स है ये सब कुछ आप इसी मशीन के ऊपर आप प्रिंट करके देख सकते हैं, बट मेनली हम जो यूज़ करते हैं वो टी शर्ट प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो कुशन हम जो अभी कर रहे हैं इट्स ए हेवी, इट्स ए मैजिक कुशन है, A3 साइज़ का कुशन है, तो इसके अंदर ही आपको प्यारा सा प्रिंटिंग हो पाएगा, रिमाइनिंग में नहीं हो पाता है। इसी के साथ जो हमारा प्रिंट है वो रेडी हो चुका है। देखिए कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है, आप देख भी सकते हो। देखिए जो डिजाइन है इसमें कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है, तो जिस पेपर के अंदर जो डिजाइन है ये कंप्लीटली इसके ऊपर आपको ट्रांसफर हो चुका है। देखिए कितना प्यारा सा आया था। सो इसको अभी हम जो डिजाइन है ये है, तो जो पेपर है ये हमारा खुद का ब्रांडिंग का पेपर है, क्वालिटी विल बी सुपर है, तो इसको यूज करके आप कोई भी प्रिंट करोगे पूरा का पूरा ट्रांसफर होता है। अभी इस कुशन को हम थोड़ा सा फिनिशिंग टच दे रहे हैं कुछ और भी प्यारा सा लगने के लिए, तो जो साइज पे है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसी के साथ मैंने इसको दोबारा चिपका दिया है, इसको मैं दोबारा प्रेस कर रहा हूँ 120 सेकंड के लिए। ये हमारा जो प्रिंट था वो हिल चुका था, अभी हम दोबारा प्रेस कर दे रहे हैं। हम साइड पे जो डिजाइन अलग से प्रिंट करके उसमें ऐड कर रहे हैं, तो अभी वो भी फिनिश हो जाएगा, तो आपको दिखाएंगे फाइनल में वो कैसे बना हुआ है। इसी के साथ जो हमारा प्रिंट था वो हो चुका है, ये देखिए कितना मस्त प्रिंट हो गया है, कितना प्यारा प्रिंट आया है, जो दोबारा से हमने जो किया है बहुत हीट है। इसको जो हमने दोबारा से किया है इसमें हार्ट लगाए दोबारा से, ये देखिए इसमें वन साइड प्रिंट है जो कर लिया है, काफी हीट है, पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, ये देखिए कितना अच्छा प्रिंट आया है। जो मैं अभी इसके ऊपर जो दोबारा से प्रिंट करूंगा वो ये है, दोबारा मैं आपको इस अभी ये प्रिंट करूंगा इसके ऊपर जो ये प्रिंट करना है, मैं इसको जो सामान है इस तरीके से प्रिंट करेंगे जो हम उसको रब कर ले रहे हैं। तो हमने आपको दिखा दिया था एक साइड प्रिंटिंग कैसे हो गया, अभी दोबारा दूसरा साइड जो पिंकिश है ना इसके ऊपर हम प्रिंट करेंगे, तो ये प्रिंट भी कैसे रहेगा आप देख लीजिए। इसको हम पहले थोड़ा चार पांच पहले एक बार प्रेस करके उसको जो चमकी है ना उसको साफ करेंगे कि कुछ इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो ये करने के बाद हमारा जो आजकल प्रिंट है अब हम इसको एक प्रिंट करेंगे। इस प्रिंट को अभी हम दूसरे साइड जो पिंकिश साइड है उसके ऊपर हम प्रिंट कर रहे हैं, सो देखेंगे कि कैसे का किस टाइप का प्रिंट आपको मिलेगा। इसका भी टेम्परेचर सेम है, 200 डिग्रीज का टेम्परेचर लगाएंगे, 120 सेकेंड्स का टाइमिंग रखेंगे, तो ये होते हुए आप देख सकते हो कि इसका फिनिशिंग कैसे आया है। इसी के साथ हमारा जो प्रिंट है वो रेडी हो चुका है,
इसको हमने ओपन कर दिया है, जैसे कि आप देख रहे हो इस पे ब्लैक पिंक पे भी हमने प्रिंट करके दिखाया आपको। देखा फ्रेंड्स आपको इसमें जो आया है कितना क्लियरली कितना प्यारा सा आया है, ये है हमारा आउटपुट। तो ये डबल साइड प्रिंट हुआ है, ये डबल साइड प्रिंट हुआ है, जैसे कि ये देखिए आप, ये 200 डिग्री के टेम्परेचर में बना हुआ है, बहुत गर्म है तो हाथ भी नहीं लगा पा रहे हो। एक तरफ का प्रिंट आपने देखा होगा, एक तरफ का आपने ये देखा होगा, जो दूसरी तरफ का है जो आपको दिखा रही है, बहुत गरम है, पकड़ नहीं पा रही है। बाबा तो जंगली का जादू है। देखो भाई जस्ट प्रिंट हो के आपको बाहर आई है, डबल साइड प्रिंट हुआ था इस कुशन में। आप देखिए कितना प्यारा से प्रिंट हुआ है, आप देख सकते हो। एंड ये ऐसा वाला प्रिंट आप इस हेवी ड्यूटी मशीन के ऊपर ही आप प्रिंट कर सकते हो। आप करो क्लोज करो। इसी के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।